प्लॉट जो दिखाई दे रहा है ना, वो प्लॉट जो दिखाई दे रहा है वो इससे ऊंचा में है, और ये जो प्लॉट है इसमें पानी लगता है और इसमें केमिकल सुपर डलाया गया है। और देखिए उससे अच्छा है ये गन्ना, कितना अच्छा है अब देख लीजिए आप, कितना अच्छा है। और उसमें इसमें नहीं डला गया है तो कैसा है, आपको क्या डिफरेंस देता है? डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इसका पत्ता हरा भी है और लंबा भी है, गन्ना मोटा भी है। अच्छा। और उस वो है तो गन्ना गिर भी गया है, देखिए अभी तक गिरा नहीं है। अच्छा। और छोटा भी है और उसका पत्ता पीला भी है, और ये गन्ना का हाइट भी ज़्यादा है और पत्ता हरा भी है और पत्ता चौड़ा भी है केमिक्स डालने से। अच्छा, कब आप केमिक्स डाले, आपको कब लगा कि केमिक्स इसमें डालना चाहिए? देखिए केमिक्स इसमें डाला गया है कि ये तो राइटून है ना, ये तो फूटी है। अच्छा। इसमें तो जब पौधा इतना बड़ा हो गया, मतलब कि फूटी काटने के, गन्ना काटने के करीब दो महीना के बाद इसको डाला गया, मई जून में डाला हुआ, अप्रैल में भी डाला। मई जून में। अच्छा। उस समय से आज तक ये हरा है। और कोई आपका डिफरेंस दिखा दोनों के खेत में? डिफरेंस तो बहुत है, डिफरेंस तो यही है, सबसे अच्छा है, हाइट भी अच्छा है इसका और पत्ता भी सब कुछ हरा है। रोग वगैरह के बारे में? रोग भी तो कुछ नहीं है इसमें, रोग भी नहीं है। जिसमें नहीं डाले थे? नहीं डाला गया तो देखिए ना, पीला पत्ता है उसमें रोग है और गिर भी गया है गन्ना, ये निरोग गन्ना है। तो आप केमिक्स सुपर के रिजल्ट से आप खुश हैं? एकदम खुश हैं हम लोग, डालेंगे। और आपकी और डाल रहे हैं हम लोग, डाल रहे हैं, डालेंगे नहीं, हमारे पास चलिए देखिए अपने घर पर भी है अभी का 4 किलो 5 किलो 6 किलो का पॉकेट 2-4 पड़ा हुआ है और डाले भी हैं, अभी डाले हैं। अच्छा, तो आप दूसरे किसानों भाइयों को भी आपने बताया इसके बारे में? बताए हैं ना, तब ना वो धान वाला डाला है तो आज तक हरियर था, जब तक काटा नहीं तब तक है, तब तक ले हरा हुआ था, कई किसान डाल रहे हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।